आप वोट देंगे तो आप राम के नाम पर वोट करेंगे या फिर रोजगार महंगाई? राम के नाम पर वोट करेंगे हम, महंगाई कुछ नहीं है। आप अपने घर चलाने के लिए इस मंदिर में क्यों नहीं बैठ जाते, क्यों जाते अपने अपने ऑफिस में? 33 कोटी देवी देवता है ये मान के चलो, युवाओं के लिए रोजगार की कोई बात नहीं होगी, महंगाई के लिए कोई बात नहीं होगी, सिर्फ होगी कभी बलराम जी आएंगे, कभी कृष्ण जी आएंगे, कभी राम जी आएंगे। देश राम का है, देश कृष्ण का है, तो मुद्दा उन्हीं का रहेगा। अगर वो भाजपा के विरोधी हैं तो वो राशन लेना छोड़ दें, वो भाजपा के विरोधी हैं 2.5 लाख लेना छोड़ दें। 9 साल पहले राशन नहीं मिलता था, फ्री नहीं मिलता था। किसने बोला? किसने बोला? हमने बोला फ्री। जो मर्जी बोलो। जय श्री राम। जय। आप लोगों की क्या राय है 24 का चुनाव किस मुद्दों पर होना चाहिए? देखो जी, मुद्दे तो ये है, अगर से ये मामले खत्म कर देना, ये हिंदू मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है, और ये सीएबी कौन खत्म करें? सरकार और कौन के, हम खत्म करेंगे। सरकार हिंदू मुस्लिम कहाँ करती है? सरकार को तो हो जाएगी। आप सरकार हटा दीजिए ना, जब सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, सरकार हटा दीजिए। फिर आप इस सरकार को क्यों झेल रहे हैं? गलती तो आपकी है ना, गलती जनता की है। यदि आप झेल रहे हैं उस सरकार को, जब सरकार जान रही है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है, आप उसको फिर भी झेल रहे हैं, तो गलती इसमें आपकी है, आपको बदलनी चाहिए। आपको लगता है कि धर्म की राजनीति इस वक्त हो रही है? बिल्कुल, धर्म की राजनीति पूरी हो रही है, पूरी तरीके से हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज रामलला हैं, कल फिर कृष्णलला आएंगे, कल कृष्णलला के नाम पे राजनीति हो। तो भाषण में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की जो भावना है उसे लेकर चल रहा, उसी के लिए जनता मुझे पसंद। जितना वो कहते हैं उतना कर दें तो बहुत अच्छा हो, जितना वो कहते हैं जितना अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। बैठे मतलब जो कहते हैं वही कर रहे हैं, जो कहते हैं वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा था रामलला को लाएंगे, वो अपना घर ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अगर कहता है हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का स्थान है, उनका घर है, वो घर ये घर, वो अपना घर ले रहे, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर राम का स्थान था, अयोध्या जो है राम का स्थान था, मंदिर तो बन चुका है, दिक्कत क्या है? बनकर तैयार हो चुका है अभी, अब तैयार, पहले 22 तारीख तो आने दीजिए भाई। भाई राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा जो कि बनकर तैयार हो चुका है, विवाद भी खत्म हो चुका है, लेकिन क्या राम मंदिर बार बार चुनावों में गूंजता रहेगा? बिल्कुल गूंजेगा। राम अभी राम है, कल कृष्ण होंगे, लेकिन मुद्दा धर्म का होगा और धर्म के नाम पे ही राजनीति होगी अगले दस सालों तक। जो भी माहौल है जिस तरीके का, अगले 10 सालों तक पक्का है कि ये जो है राजनीति धर्म पे होगी। चले, राजनीति धर्म पर ही हो रही है, सत्ता पक्ष धर्म की राजनीति अभी तो वही होगी। अभी आज से लाके 10 साल तक धर्म पर ही राजनीति। ऐसा क्यों? मुद्दे कहाँ गए जनता? ये कंफर्म है, ये जनता के मुद्दे कहाँ गए? ये मैं नहीं कहता, ये और ओबीसी कहता है। ओबीसी की भाषण सुनिए ना आप, मेरे से क्या है? उसके भाषण सुनने के बाद मैं कहता हूँ, आज से 10 साल तक ओबीसी की बात कर रहे हैं, 10 साल तक इसी चीज में राजनीति होती रहेगी। मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रही, मैं जनता की बात कर रही हूँ। आप युवा है, आप वोट देंगे तो आप राम के नाम पर वोट करेंगे या फिर रोजगार महंगाई? राम के नाम पर वोट करेंगे हम, महंगाई कुछ नहीं है। अरे दस, पहले 5-6 नौकरी कर रहे थे, आज 10 की नौकरी कर रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी तो नौकरी, मैं भाई रोजगार नहीं राम मंदिर। मैं भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर महंगाई कुछ नहीं है, रोजगार का मुद्दा कुछ नहीं है, तो 2014 में क्यों मोदी जी ने इस मुद्दे से चुनाव लड़के परिवर्तन की थी सरकार? क्यों करी थी? जब नहीं है तो भाई देखो, जब कांग्रेस में 2 रुपये बढ़ता था तो महंगाई हो जाती थी, और अपने राज्य में 5 रुपये बढ़ रहा है तो महंगाई नहीं है। क्यों नहीं है महंगाई? किस लिए नहीं है? और देखिए, धर्म के नाम पे क्यों राजनीति करनी? धर्म के नाम पे क्यों राजनीति करनी? आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे मंदिर है, सबको रोजगार, आप अपने घर चलाने के लिए इस मंदिर में क्यों नहीं बैठ जाते, क्यों जाते अपने अपने ऑफिस में? भाई रोजगार के लिए तो रोजगार ही चाहिए ना, घर पालने के लिए तो हम मना थोड़ी, बिगर काम के नहीं होता कुछ, बिगर काम के नहीं होता कुछ। हम भी तो कह रहे हैं काम कर, ये सबको नहीं पालेंगे, राम केवल आशीर्वाद दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैम, एक बात बताओ, मनुष्य 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 भगवान को न्याय दिला सकता है क्या? मनुष्य कभी भगवान को न्याय दिला सकता है? एक बात बताइए। और एक चीज और है, सरकार तो सबके साथ न्याय कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात, मीडिया हमेशा क्या करती है, जब कोई मुस्लिम लड़की ना गाना गाती है, आजकल एक चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मुस्लिम लड़की ने गाया रामलला का गाना, ये कौन सी भाषा हो गई? सीधे बोलो, भारत की लड़की ने गाया रामलला का गाना, क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो? राम से प्रॉब्लम क्या है भैया? कुछ नहीं है प्रॉब्लम। क्या दिक्कत क्या है राम से? विरोध क्यों करता है? मैं बोलता हूँ, राम हमारे आराध्य देव है, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन मुद्दे रोजगार, चुनाव कभी धर्म पे नहीं लड़ा जाता। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब असल मुद्दों पर सरकार काम। मैडम 2024 में चुनाव राम मंदिर पे ही होगा,
क्योंकि राम मंदिर बन रहा है 2024 में तो होगा ही। 2024 में चुनाव अगर राम मंदिर पर होगा तो 29 में चुनाव कृष्ण लला पर होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं ये बताना चाहता हूँ बलराम पे होगा। ये भारत देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अगर आप लोग ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होती है, तो आप जो 3 प्रदेशों में ये सरकार बनी है इसमें क्यों नहीं हरा पाए हम लोग के लिए? भाजपा के थे, भाजपा के हैं। अगर आप लोग ये कहते हैं तो 29 में भी चुनाव रामलला पे, कृष्ण लला पे होगा चुनाव। आप लोग कहते हैं महंगाई कह रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि असल मुद्दे कहां गायब है? राम कृष्ण भगवान इन्हीं पर चुनाव। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो विरोधी होते हैं वो सिर्फ कुछ ना कुछ मुद्दा उठाने के लिए ही बने हैं। विरोधी सिर्फ और सिर्फ मुद्दा उठाते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि ये चुनाव क्या भगवान पर ही होगा? यस, अगर भगवान का ये देश है, प्रदेश है भगवान का, कृष्ण लला मथुरा के विराजमान है, उनको भी स्थान मिलेगा। और प्रभु श्री राम ने स्थान दिया है, उनको भी प्रभु श्री राम जी का भी स्थान मिलेगा। जनता ही चाहती है राम और कृष्ण भगवान के नाम पर वोट। 33 कोटि देवी देवता है ये मान के चलो। युवाओं के लिए रोजगार की कोई बात नहीं होगी, महिलाओं के संरक्षण के लिए कोई बात नहीं होगी, महंगाई के लिए कोई बात नहीं होगी। सिर्फ होगी कभी बलराम जाएंगे, कभी कृष्ण जाएंगे, कभी राम जाएंगे, कभी लक्ष्मण जाएंगे, कभी भरत जाएंगे, कभी शत्रुघ्न आएंगे, बस। अब जब मुद्दा है ही नहीं, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वही आएंगे ना भाई। देश राम का है, देश कृष्ण का है, तो मुद्दा उन्हीं का रहेगा। अब उन्हीं कैसे खा कमाएंगे, कैसे कैसे परिवार को? भूखे मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं क्या लोग? क्या राम मंदिर से क्या राम? एक मिनट, ये लड़का कह रहा है भूखे मर रहे हैं, भूखे। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए, कहते हुए कौन सा आदमी भूखा मर रहा है? फ्री का राशन खा के ये भूखे मर रहे हैं है? अरे फ्री का राशन खा के इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये झूठ बोलते हैं। आज की सरकार में, डबल इंजन सरकार में इतना विकास हुआ कि अब हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। देखिए डिजिटल इंडिया बनाने की बात सरकार कर रही है। तो स्मार्टफोन कौन देगा? भगवान राम जी देंगे क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। किसी न किसी इन्वेस्टमेंट से तो आया होगा। एंड्रॉइड फोन का क्या मतलब है? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि अगर आधा आदमी के पास है तो कुछ ना कुछ उसने खर्चा किया होगा, तभी तो होगा। और खर्चा के लिए रोजगार आमदनी जरूरी है मैम, यही तो मैं। 70 साल पहले क्या कुछ काम नहीं हुआ? 70 साल पुरानी जो सरकारें थी, क्या सिर्फ काम 10 सालों के भीतर ही हुआ है? ये काम 10 सालों के भीतर ही हुआ है। उनकी सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई कहाँ से बढ़ गई? पहले मजदूर 150 रुपए लेकर अपना काम करता था, लेकिन आज वही मजदूर 450 रुपए ले रहा है। पहले राजमिस्त्री 350 रुपए में चलता था, अब वही राजमिस्त्री 700 रुपए में चल रहा है। जो पहले सरकारी टीचरों की जो इनकम थी वो 15,000-20,000 रुपए थी, आज वो 65,000-70,000 रुपए ले रहा है। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई कहाँ से बढ़ गई? महंगाई 2.5 लाख रुपए इंसान ले रहा है, सारी पब्लिक आम जनता ले रही है। वोट दे या ना दे, लेकिन लेगी। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो भाजपा के विरोधी हैं तो वो राशन लेना छोड़ दें। वो भाजपा के विरोधी हैं, 2.5 लाख लेना छोड़ दें। वो भाजपा के विरोध, भाजपा की योजना में वो सहभागिता खत्म कर दें। उस दिन आप ही जवाब देंगे कि 9 साल में क्या? 9 साल पहले राशन नहीं मिलता था, फ्री नहीं मिलता था। किसने बोला? किसने बोला? हमने बोला फ्री। जो मर्जी बोलो, जितनी जनता खड़ी है सबको पता है 9 साल पहले भी यहाँ पे मिलता था राशन फ्री। ठीक कह रहे हैं आप भाजपा। एक मिनट, लाल गेहूं अमीर, मैं किसी सरकार को गलत नहीं ठहराऊंगा। पहले नंबर, दूसरा नंबर तो बताओ ना, ये भी बताओ। दूसरा नंबर, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बेरोजगारी तो है, ये भी बताओ। ठीक है, किस तरीके? एक मिनट, बांग्लादेशियों को बुलाओ, शरणार्थियों को, शरणार्थियों को बुलाओ, पाकिस्तान के टुकड़े करा के हमारी बेरोजगारी कर दी उतना। बेरोजगारी का कारण कांग्रेस, भ्रष्टाचार का कारण कांग्रेस, पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया। चाचा तो मैं आपके सवाल का जवाब ले रही, रुकेगा। हर चीज का कारण कांग्रेस सरकार। चाचा सुन लो, पहले सुन लो, एक मिनट सुनो। गोलगप्पे वाले हो चाचा, सुन लो। कांग्रेस के जमाने में कौन सी गेहूं मिलती थी? कांग्रेस ने लूटा है आज इसमें जाएगी, रुकेगा। चारा घोटाला, चाचा एक मिनट सुनोगे? साइकिल घोटाला। चाचा आप कह रहे कांग्रेस ने लूटा, ठीक है। हॉस्पिटल किसके काम आए थे? कांग्रेस ने तो लूटा था। कांग्रेस के बाप ने दिया। चाचा मैं जवाब ले लेती हूँ आप ही की बातों का। आइएगा आइएगा, थोड़े से काम चले, काम गिनवा रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। यही नारा गूंज रहा है, देखिएगा अयोध्या से लेकर राजनीतिक गलियारों में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है।